आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम ऐसे ऊंट पालक से मिलेंगे, राहुल जी से मिलेंगे, जो गंगानगर से यहाँ पुष्कर मेले में अपने ऊंट बेचने आए हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा बच्चा है। जानवर कोई भी हो, उसे बस प्यार चाहिए, वो अपने आप में बहुत ही खुश होता है। अब ये देखते हैं, 5 महीने का बच्चा है लेकिन मेरे से कितना घुल मिल गया है। तो चलिए राहुल जी से इनके बारे में जानकारी लेते हैं और समझते हैं इन ऊँटों के रेट और इनकी विशेषताएं। तो चलिए देखें। भुला दे डर, कुछ अलग कर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो किसान भाई, मेरे दर्शक, हमें और आपको और आपके जो ये ऊंट इतने अच्छे अच्छे हैं उन्हें देख रहे हैं, एक बार आप अपना परिचय दें। जरूर जी, हमें गंगानगर से आए। अच्छा, हुए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राहुल। तो राहुल जी, जैसे कि आप यहाँ पुष्कर मेले में आए हुए हैं, हाँ, तो आप कितने ऊँट लेके आए हुए हैं? हमारे बेच से तो लगभग पूरे परिवार के 200 ऊँट है। अच्छा, पूरा परिवार आया हुआ है आपका? हाँ, 200 ऊँट है। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा। मेरे पास 5 ऊँट है, ये देख लो। अच्छा, ये 5 ऊँट हैं आपके? हाँ जी। तो राहुल जी, एक जैसे मतलब हर चीज की एक वो होती है कि ये अच्छी नस्ल का है, ये बढ़िया है, तो ऊँट में ऐसी क्या क्या खासियत होनी चाहिए कि जो वो बढ़िया नस्ल का ऊँट हो? जो बढ़िया नस्ल का साचुरी ऊँट होता है। अच्छा, साचुरी। हाँ, साचुरी होता है, तो उसका दिमाग भी बहुत अच्छा ऊँट का होता है, क्यों वो पढ़ने के लायक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, समझदार होता है। समझदार बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा, मतलब उसको जो आप सिखाएंगे वैसे ही होगा वो। हाँ, जैसे बहुत से हमने देखा नाचने वाले होते हैं, वो भी ऊँट, वो जो साचुरी है, हम उसको जो भी सिखलाई देंगे वो समझ जाएगा जी, भाई ये मेरे को क्या कह रहा है, क्या इस बिठा रहा है, क्या उठा रहा है, क्या पिला रहा है, क्या हम चलना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे कूदना है। अच्छा, तो ब्याह शादी में भी वो डांस करेगा। और अच्छा ऊँट होता है वो साचुरी, उसकी भी कीमत भी बहुत ज़्यादा हो गई फिर। अच्छा अच्छा, उसकी कीमत होती है लगभग 2-3 लाख रुपया। अच्छा, 2-3 लाख रुपये। हाँ जी। वैसे आपने ये तो बताया उसके रेट के बारे में, अगर हम नीचे से बात करें, कम से कम ऊँट की जो कीमत है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो देखो 20,000 से स्टार्ट होती है। अच्छा, 20,000 से? हाँ, 20,000 से लेके 25, 30, 35, 40, फिर तो ऊपर चढ़ जाएगी, जैसे जो खासियत होगी। हाँ, वो कितना जो बच्चा भी लेंगे हम, जो इतना बड़ा बच्चा लेंगे तो 10,000 से कम नहीं देगा कोई। अच्छा, ये कितने दिन का बच्चा है आपका? ये 5 महीने का। ये 5 महीने का? हाँ जी। तो अभी अभी क्या ये मतलब दूध ही पी रहा है या मतलब? चारा भी खाता है। चारा भी खा रहा है? दूध भी पी रहा है, चारा भी खा रहा है। चारे में क्या क्या खाता है? जो चारे में जो मूंगफली का चारा है। अच्छा, जो मूंगफली का भूसा है वो खा रहे हैं? वो खा रहा है, और जो ग्वार का भी है वो भी चारा है। अच्छा, ग्वार की जो पत्ते है वो पत्ते भी है, वो भी खा रहा है। अब जैसे कई बार क्या होता है, खेजड़ी के पत्ते होते हैं या लौंग पत्ती? लौंग पत्ती खाता है ये। लौंग पत्ती भी अच्छे से खाते हैं? खाते हैं ये। वैसे जो सबसे अच्छा चारा है पशु के मतलब ऊँट के लिए, वो कौन सा है? वो ग्वार का होता है। अच्छा, ग्वार का। हाँ जी। और जैसे मतलब यूपी के क्षेत्र है, ग्वार वहाँ इतना होता नहीं है, तो वहाँ पे हरी पत्ती ज्यादा मिलती है, तो वो फिर ये पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ज्यादा मिलती है, वो जो भी जंगल मिलता है उसको चराने के लिए वो चला। अच्छा, जंगल में अगर हम चराए तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो राहुल जी, आप मतलब ये ऊँटों का यहाँ से वहाँ ले जाते हैं और व्यापार करते हैं? सैलरी हमारी तो जो यहाँ पुष्कर आए गए, डीडवाना चले गए, मेले सांडुआ आएगा, जो मतलब हरियाणा में भी मेला बहुत ज़्यादा लगते हैं, पर जी जी हम जाते हैं, बाड़मेर में भी जाते हैं, मेला सब बहुत ज़्यादा है, पर क्यों पेट खाते जाते हैं हम तो। अच्छा अच्छा, तो दूसरा क्या है कि अभी जैसे अगर कोई ये वीडियो देखने के बाद में, हाँ, और आपसे ऊँट लेना चाहे, मंगाना चाहे, खरीदना चाहे, हाँ, तो वो आप एक अपना नंबर बता दें। हम बता देंगे जरूर। बोल दो आप नंबर। 70-73-00-23-43। राहुल जी, थोड़ा आराम से बताएं जिससे कि आदमी समझ सके। अच्छा अच्छा, 70-73-00-23-43 है हमारा। 43? हाँ हाँ, 43। अच्छा अच्छा, तो राहुल जी जैसे कि ये ऊँट है, हाँ हाँ, तो इसका आपने रेट क्या रखा हुआ है? इसका 35,000 रुपये है। 35,000। हाँ, ये एज में कितना है मतलब? इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र 4 साल है। अच्छा, और वो इससे आगे? ये 5 साल की ऊँटनी है, वो 6 साल की है। अच्छा, ये ऊँटनी है? हाँ, ये ऊँटनी। इसका रेट क्या है? 40,000 रुपये। 40,000। हाँ जी। और हम जैसे कि उधर देख रहे हैं, वो दो और हैं, उसके 30,000, इसके 50,000 रुपये। अच्छा, ये 50,000। आपने जैसे इसका 50,000 बताया, तो इसकी ऐसी क्या खासियत है जो सबसे ज्यादा? खासियत ये है, जो ये अभी की टेम्पररी जो बुग्गी खड़ी है ना इधर, ये बुग्गी में चल जाएगी और आपके ऊपर बैठ के भी और कहाँ पे ले जा सकते हैं इसको, मतलब सारी चीजों में परफेक्ट है। हाँ, ये
हाल में भी जो खेती बाड़ी करते हैं ना, जो हल चलाते हैं, जो बल्द गिलारी भी चलाते हैं, ऊंट गिलारी चलाते हैं, इसमें भी काम जा रहा है। अच्छा, हल में भी, बग्गी में भी, ऊपर कमर पे भी आप कैसे भी यूज कर सकते हो? कैसे भी यूज, मतलब बिल्कुल सर्व गुण संपन्न है ये ऊंटनी। हाँ जी, ऊंटनी है ना ये? हाँ, ऊंटनी है। बहुत अच्छे। तो राहुल जी, आपने अपने ऊँटों के बारे में और ये इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने ये ऊँटों की ये वीडियो देखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर।